वृंदावन पानीगांव मांड रोड पर थाना मांड क्षेत्र में राधा रानी मोड़ पर अज्ञात वाहन को बचाने के प्रयास में हरियाणा के श्रद्धालु की तेज रफ्तार गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे परिजनों ने पुलिस को ना बताकर प्राइवेट एम्बुलेंस से घायल व्यक्ति को वृंदावन की ओर अस्पताल में ले गया। वहीं मौके पर मौजूद कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ड्राइवर को नींद का झोंका लगने से गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और तेज रफ्तार में सड़क किनारे खड़े पेड़ में जा टकराई, जिससे गाड़ी के दोनों शीशे, खिड़की और आगे का बोनट टूट गया। लेकिन फिर भी गनीमत रहे कि गाड़ी के तेज रफ्तार में होने के बाद भी खाई में नहीं गिरी, नहीं तो और बड़ा हादसा हो जाता। जानकारी के मुताबिक गाड़ी में जमुनापुरी हरियाणा के रहने वाले लव शर्मा, तान्या शर्मा और सुमन शर्मा समेत तीन श्रद्धालु सवार थे और कुरुक्षेत्र से दर्शन करने के लिए वृंदावन से मांड की ओर जा रहे थे, लेकिन राधा रानी मोड़ पर अज्ञात वाहन को बचाने के प्रयास में गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और तेज रफ्तार में पेड़ से टकरा गई। गनीमत रही कि गाड़ी खाई में नहीं पलटी, नहीं तो बड़ा हादसा हो जाता और किसी की जान चली जाती। यूपी क्राइम न्यूज के लिए मांड तहसील से पवन कुमार की रिपोर्ट। भैया मेरा नाम बंटू है, पानी गांव से हूँ। मैं राधा रानी तरफ से आ रहा था ट्रैक्टर लेके, और आगे की तरफ से वृंदावन साइड से ये गाड़ी आ रही थी, और गाड़ी की लगभग स्पीड होती लगभग 100 के समथिंग होती। गाड़ी का डिसबैलेंस होने से सीधी पेड़ में टकराई, और पेड़ में टकराने से दो तीन पेड़ और टूट गए वहाँ पर। कोई घायल भी हुआ कोई? हाँ, इसमें 5 सवारियाँ थी, उसमें एक जिनका जो गार्जियंस थे, उनमें जो सबसे बड़े व्यक्ति थे, वो घायल हो गए, उनके पैर में फ्रैक्चर है। तुम्हारे सामने पुलिस पहुँची थी? नहीं, मेरे सामने पुलिस नहीं पहुँची, मैं वहाँ से आ गया। उसमें एक घायल हो गया? हाँ, उसमें एक घायल हो गया।